और यहीं से हमारा गांव स्टार्ट हो जाता है ऊपर को एक टहनी काट के। मार्केट में आज एक जबरदस्त नीचे को फॉल आया तो मम्मी सुबह नहा के आज व्रत है जब तक खिचड़ी नहीं देगी। अभी हो रही पूजा की शुरुआत ये। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज दिन की स्टार्टिंग हो रही है 7:30 बजे से। सुबह में रॉकी भाग गया है यहाँ से, कहीं नहीं है इधर से। ओ उधर गया है वहाँ, ये यहाँ दिखाई दे रहा है रॉकी है इधर उधर, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने में लगा है यहाँ। तो रॉकी चले गया है वो उधर अपने दोस्तों के साथ खेलने में। तो अभी थोड़ी देर में बुलाता हूँ, तब तक अपने आप खेलता है और मैं भी करता हूँ नाश्ता। और पहाड़ी किचन का हाल कुछ इस तरीके से हो रहा है, गुन लिए कहना ही नहीं मान रही, अभी जिद्दी हो रही जिद्दी। मम्मी बोल रही मोजे पहनाने के, तो वो मोजा नहीं पहन रही है। चलो मोजा पहनो। और श्रीमती जी नाश्ता कर रहे हैं। हेलो हाय नमस्ते। मम्मी जी का व्रत है आज, आज पंडित जी आ रहे हैं ना माघ के महीने में खिचड़ी खाने के लिए, तो मम्मी सुबह नहा के आज व्रत है जब तक खिचड़ी नहीं देगी। हाँ जी मम्मी। हाँ जी हाँ। आज ना ठंड बहुत ज्यादा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं ठंड के मारे। यहाँ पे दीपू ने आग जलाई है सुबह सुबह। नहीं ना उस्ताद, बिल्कुल परेशान नहीं बोला सुबह सुबह। अब बीड़ी के एक फूक में आप पूरी जिंदगी का धुआं उड़ाएंगे। मौसम भी ऐसे ही है, सुबह सुबह पाला नहीं पड़ रहा फिर भी ठंड लग रही है। तो करते हैं अभी काम दुकान के। अभी टाइम 10 बज गए हैं और मेरा भी दुकान का काम जो था वो कर लिया है। और मार्केट में आज एक जबरदस्त नीचे को फॉल आया जो कि मेरे को दिखा, उसमें मैंने पेपर ट्रेड में 50 पॉइंट कैप्चर किए जबकि वो 50 पॉइंट और एक्स्ट्रा गया है। तो अभी चलते हैं नीचे को घर को। तो जैसे अभी नीचे पहुंचा तो गुन्नी है आ गई है, मम्मी के साथ जा रही थी, वो मम्मी आगे जा रही है यहाँ पे। इधर मेरी बाइक देखी तो यहीं रुक गई है। तो अब चलना है मंदिर में क्योंकि आज जो है पूर्णिमा है हमारे मंदिर में, कल्याणेश्वर मंदिर में, वहाँ पे खिचड़ी बनती है माघ के महीने में एक दिन। तो अभी घूम के आते हैं मंदिर तक और इसको भी घुमा के ले आते हैं मंदिर तक। अभी चलते हैं मंदिर की तरफ को। अभी तो यहाँ पे है मंदिर कल्याणेश्वर बाबा भोलेनाथ का, तो यहीं पर आज खिचड़ी बनेगी। यहीं पर हवन हवन भी है अभी और पंडित जी जा रहे हैं ये, और यहीं से हमारा गाँव स्टार्ट हो जाता है ऊपर को। ये हमारा गांव है, मतलब यहाँ से ऊपर को। गुंद भी पहुँच गई अपने ताई के साथ जी। हर हर महादेव। ये है बाबा महादेव का मंदिर कल्याणेश्वर। और यहाँ पे बन गई हवन के लिए बेटी अभी है, अभी हो रही पूजा की शुरुआत ये। अब इसके बाद हवन होगा ज्योतिल, वहाँ पे हवन के लिए हवन सामग्री बननी है वहाँ पे। वहाँ पे बेटी तो बना दी है मंदिर के लिए। अब जा रहा हूँ पोए का पेड़ से पोए की लकड़ी काटने के लिए। तो यहाँ पे ये है पोए का पेड़, तो इसकी लकड़ी इतनी पवित्र होती है कि मतलब हर काम काज में ये लकड़ी आवश्यक चाहिए, मतलब अति आवश्यक। तो इसको काट के वहाँ हवन सामग्री में शुरू बनाते हैं, जिससे घी डालते हैं हवन में। यहाँ पे अभी पोए का पेड़ काट लिया है, पोए के एक टहनी काट के, तो वहाँ पे काम आएगा इसलिए काट के लेके जा रहे हैं पोए। ये भी आ रहे हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। रजनी जी तेरो फिर से लग गई है ड्यूटी आम के पत्ते लाने के लिए। जो कलश बनाएंगे वो आम के पत्ते लगते हैं उसके साइड में, तो आम के पत्ते लेने के लिए जा रहे हो उधर हिमांशु और मैं। और गांव में एक हिमांशु और है, हिमांशु नंबर 9वां नंबर है तेरा। और हो वहां पे जाना है, वो घर दिख रहे हैं उसके पास। तो यहां पे सदनच खाली हो रहा है और जो जो घर से सामान आए हैं सब एक एक करके अलग अलग सबके घरों से आया है, वो अलग अलग कर रहे हैं इनको। इसमें चावल
कुंदा लगे हैं चावल खाली करने में। वो जी यहाँ पे सन्नत सात नाच हैं, ये काल भैरव को चढ़ता है सात नाच, और तेल, ये सब तेल आए हैं पूरियों के लिए। अभी होगी है यहाँ पे हवन की तैयारी, तो हवन में बैठते हैं आप। और इधर सब रेडी हो चुका है और हवन वाले भी बैठ चुके हैं यहाँ पे, तो हम भी बैठते हैं हवन करते हैं। श्रीमन गणाधिपते लक्ष्मी मूर्ते नमः। चलिए जी, अभी तो यहाँ का काम हो गया है और अब चल रहे हैं दुकान का सामान लेने के लिए, सब्जी अब्जी तो लेके आते हैं ऊपर दुकान से ही। अभी वहाँ का जितना काम था सब्जी अब्जी सब दे के आ गया हूँ और फिर अभी आ गया हूँ घर पे। यहाँ पे रॉकी को खोल दिया है और श्रीमती जी गुन्नू को खाना खिलाने में लगे हैं, और मम्मी मेरे लिए खिचड़ी लाने के लिए गई है कल शाम से, अभी खा रहा हूँ, भूख भी लग गई है। तो अभी दुकान में थोड़ा सा काम था तो उसको कर लिया है और अब चल रहे हैं घर को, क्योंकि टाइम भी हो गया है घर जाने का अब मेरा, तो चलते हैं सीधे घर को। तो पहुंच गए हैं अभी घर पे और यहाँ पे मम्मी का चल रहा है खाना, कुन्नू सो गई है, श्रीमती जी टीवी देख रहे हैं, रॉकी यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। फाइनली कुछ इस तरीके से था आज का दिन, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।